अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये नेक डिज़ाइन बनाया है। हमने कपड़े के बटन लगाए हैं इसमें और तीन तीन मोतियों का भी काम किया है। इस तरीके से हमने नेक डिज़ाइन बनाया है। तो कैसे बनाया है ये शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने कैनवस ले ली है, ये डबल फोल्ड है। तो अब हम इसमें अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे, एक निशान लगाएंगे गले की लंबाई 6.5 इंच पे, एक निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे। तो ये देखिए, एक निशान हम लगाएंगे एक पॉइंट के गैप से, हम राउंड शेप देंगे। तो ये देखिए, हमने राउंड शेप दे दिया है। तो अब हम 1.25 इंच पे एक एक निशान लगाएंगे, 1.25 इंच पे हम एक निशान लगाते जाना है, और जहां पे ये पॉइंट पे भी हमें 1.25 इंच ही लेना है। सभी निशानों को हम अच्छे से लेबल कर लेंगे। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा गला बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे चिपकाएंगे नहीं, क्योंकि ये चिपकाने वाली कैनवस नहीं है। तो अब हम इसके साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने कच्चा करके इसे सी लिया है। तो अब हम कॉर्नर को कट करेंगे और इसको अच्छे से फिनिशिंग में हम फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। तो हम सेंटर कर लेंगे, कट लगा लेंगे बीच का, अच्छे से निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने कुर्ती ले ली है, इसको भी हम कट कर लेंगे बीच में से। तो इस तरीके से हम इसे उल्टा करेंगे, हम इसे रॉन्ग साइड पे हमें इसे सिलना है। हम उल्टे साइड पे इसे सिलेंगे और सीधे साइड पे हम इसे पलट लेंगे। तो पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे, अब हम इसके कैनवस के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे इस पे। तो ये देखिए, अब हम इसे कट कर लेंगे, कट करके निकाल लेंगे। और हमें सीधा इस तरीके से कट करना है कि हमारी सिलाई कटे नहीं, और हम इस राउंड शेप में भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो अब हम इसे इसके कॉर्नर निकाल लेंगे और सीधे साइड पे इसे हम पलट लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमने अच्छे से इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। तो अब हम इस पर अच्छे से इस्तरी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इस्तरी कर ली है अच्छे से। तो अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो ये हम सीधे साइड में ऐसे रखेंगे, इसे इस तरीके से पट्टी के नीचे अच्छे से सिलते जाएंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो हमने ये क्रॉस कपड़ा ले लिया है, 1.5 इंच की हमने पट्टी ली है, हमने कोट डोरी ले ली है। तो अब हम इसमें इसे लगाएंगे। इससे पहले हम अपना बूट चेंज कर देंगे, सिंगल बूट लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा फिनिशिंग में आ गया दोनों साइड। तो अब हम इसे इस साइड रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। हमें सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसके यहाँ पे राउंड में कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए हमने एक पट्टी ले ली है, तो जहाँ तक हमारा एक कट है वहाँ तक हम इसे कट कर लेंगे और इसे अच्छे से नीचे रखेंगे, सेट करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने लगा के कंप्लीट कर ली अपनी पट्टी। अब हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो हमने कपड़े के बटन और ये मोती लिए हैं जो हम इसमें लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा गला बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से हमने इसमें मोती और बटन लगा दिए हैं। तो इसमें हमने आस्तीन में भी लेस लगाई है और इसके दामन में भी हमने लेस लगाई है। तो इस तरीके से ये हमने कंप्लीट कर लिया बना के अपनी कुर्ती।